नमस्कार दोस्तों, फ्रेंडशिप विथ मैथ चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का 5A का क्वेश्चन नंबर 2 से करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिया गया, फाइंड 20th टर्म ऑफ द AP 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट। कह रहा है कि इस AP जो हम लोग गिवन AP दिया गया उसका 20th टर्म फाइंड कीजिए। ठीक है, तो हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू होता है दोस्तों a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हियर n का वैल्यू कितना दोस्तों, देखिए यहाँ पे n कितना है, 20 टर्म का फाइंड करने के लिए तो n का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 9 है। d क्या होता है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे, 13 माइनस 9 कितना हो गया दोस्तों, लिखेंगे 13 माइनस 9 यहाँ पे इक्वल टू 4 हो गया। ओके, यहाँ d का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे टी एन, एन के जगह कितना है 20, तो टी 20 हो जाएगा कितना, ए ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए ए का वैल्यू है 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दोस्तों, 4। सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 9 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो गया दोस्तों, 19 इंटू 4। देयरफॉर टी 20 का वैल्यू आ गया कितना, 9 प्लस 76, ये दोस्तों इसका वैल्यू कितना हो गया, 85। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो गया कि इस AP का 20th टर्म कितना हो गया दोस्तों, 85 हो गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इस चैनल को। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया गया हम लोगों को, देखिए दोस्तों सेकेंड पार्ट भी उसी तरह से है, कर फाइंड 35th टर्म ऑफ द AP। AP दिया गया हम लोगों को 20, 17, 14 एंड 11 डॉट डॉट दिया गया है। यहाँ पर हम लोग सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 35th टर्म हमको निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट TN का फॉर्मूला दोस्तों होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर लिखेंगे हियर a का वैल्यू दोस्तों कितना है, 20 है। d का वैल्यू कितना हो जाए दोस्तों, 17 माइनस 20, तो d का वैल्यू आ गया दोस्तों -3। और n कितना है दोस्तों, n क्या है 35th टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 35 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे a d और n का वैल्यू पुट करेंगे, t n का जगह कितना 35 इक्वल टू इसमें रख रहे हैं, हम लोग वैल्यू रख रहे हैं a, a कितना है दोस्तों 20 प्लस n 35 हो जाएगा -1, और d के जगह कितना हो गया दोस्तों -3। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए 20 प्लस 34 इंटू क्या हो गया -3। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया टी 35 इक्वल टू 20 माइनस ये हो जाएगा 34 जाओगे 12, 3 3 9 और 1 10 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा -82। तो इसका आंसर हो गया कि इस AP का 35th टर्म कितना है दोस्तों, -82 है। ओके, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दिया गया क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को दिया गया है कि फाइंड 80th टर्म ऑफ द AP √2, √18, √50, √98 दिया गया, डॉट डॉट दिया गया है। ये भी सेम है, इसको पहले देखिए, अभी हम लोग डी निकालेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग रूट को बाहर करेंगे, यहाँ पे रूट से नंबर को क्या करेंगे बाहर करेंगे। देखिए दोस्तों इसको हो जाएगा √2, इसको रूट से हम लोग बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3√2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग कितना दोस्तों 7√2 हो जाएगा डॉट डॉट। अब कैसे हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये √18 है ना, एक करके दिखाते हैं, तो उन्होंने क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। अब इसको पेड़ में से क्या करेंगे बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3, ये तो सिंगल ही है तो रूट में ही रहेगा, तो ये 3√2 हो गया।
सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अदर नंबर को भी हम लोग बाहर कर सकते हैं। ओके, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट टी एन का फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है। यहाँ पे लिखेंगे हियर एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए कौन सा टर्म निकाल, 18th टर्म निकालना है, तो एन का वैल्यू हो गया 18। ए कितना दोस्तों रूट अंडर टू, डी कितना दोस्तों सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 3√2 में से रूट टू गया था, कितना हो जाए दोस्तों 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो टी एन के जगह कितना दोस्तों, यहाँ पे देखिए एन कितना है 18 लिखेंगे, इक्वल टू ए रूट अंडर टू प्लस एन माइनस वन यानी कि 18 माइनस वन इंटू डी के जगह पे दोस्तों कितना 2√2। ओके, अब देखिए सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी 18 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टू प्लस 18 माइनस वन कितना होगा दोस्तों 17 इंटू 2√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर टू प्लस 17 इंटू टू कितना होगा दोस्तों 34√2। अब इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे रूट टू यहाँ पे है, यहाँ भी रूट टू है, 34 प्लस वन कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, रूट अंडर टू हो जाएगा इसका आंसर। तो टी 18 का वैल्यू आ गया दोस्तों 35√2। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट हम लोग को ये दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, क्वेश्चन सेम ही है कि फाइंड 9 टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया गया 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग वी नो दैट टी एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोस्तों हियर एन का वैल्यू कितना दोस्तों, 9 टर्म निकालना है तो एन का वैल्यू कितना 9 है, ए का वैल्यू कितना दोस्तों 3/4 है और डी का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया 5/4 - 3/4। तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 - 3 कितना हो गया 2/4, क्योंकि एलसीएम तो इसका सेम है। अब देखिए सबका वैल्यू हम लोग क्या करें, नेक्स्ट पेज में इसका रिजल्ट देखिए क्या इसका आता है, सबका वैल्यू रखते हैं इसमें फॉर्मूला में, यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे तो फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में इसका क्या रिजल्ट आता है, अब देखिए दोस्तों इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एन के जगह पर हम लोग 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा टी 9 इक्वल टू हो जाएगा ए कितना है यहाँ पे दोस्तों 3/4 है प्लस एन 9 - 1 इंटू डी के जगह पर कितना होगा दोस्तों 2/4 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा 3/4 प्लस 9 - 1 कितना होगा 8 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों 16/4 में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 + 16, इसका आंसर दोस्तों कितना आ गया 19/4। ये क्या हो गया दोस्तों इसका 9th टर्म इस एपी का कितना हो गया दोस्तों 19/4 हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। अब देखिए दोस्तों फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसका, देखिए दोस्तों इसका फिफ्थ पार्ट दिया गया है, फाइंड 15 टर्म ऑफ द एपी, एपी दिया गया -40 - 15, 10, 35। यहाँ पे इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, सेम ही तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वी नो दैट टी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हियर एन इक्वल टू कितना है दोस्तों बताइए, 15 टर्म निकाला था, एन का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, ए कितना है दोस्तों -40, डी कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -15 माइनस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों -40। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए डी का वैल्यू हो गया -15 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +40, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 25 आ गया। ओके, अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे टी एन, एन के जब कितना दोस्तों 15 इक्वल टू ए, ए कितना दोस्तों -40 प्लस
एन माइनस वन यानी 15 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है दोस्तों 25। ओके ये हो गया दोस्तों माइनस 40 प्लस 14 इंटू 25। सॉल्व कीजिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहीं पे 25 को 14 से, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25, ये हो गया 0, 5, ये 3, 350 हो जाएगा दोस्तों। मल्टीप्लाई करने पर T15 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 40 प्लस 350। इसको माइनस करेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 310। तो ये दोस्तों इसका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस एपी का दोस्तों 15th टर्म जो है कितना है दोस्तों 310 है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पूरा पार्ट इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका देखिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया। देखिए दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड 37th टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया गया 6, 7 होल 3/4, 9 होल 1/2 एंड 11 होल 1/4 डॉट डॉट दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट TN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों A प्लस एन माइनस वन इंटू टू, क्योंकि हम लोग टर्म निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे हियर N का वैल्यू कितना है दोस्तों 37, A कितना दोस्तों 6, D कितना हो जाए दोस्तों इसमें से वो क्या करें माइनस करेंगे। इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 4 जाए 28 प्लस 3 कितना हो गया दोस्तों 31 अपॉन में 4 माइनस 6। इसका क्या करेंगे दोस्तों हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 31 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन में 4 हो जाएगा। डी को दोस्तों हो गया 7 अपॉन में 4 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे इसका वैल्यू रखिए, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए तो टी एन के जगह पर कितना हो गया दोस्तों 37 इक्वल टू ए, ए कितना है दोस्तों बताइए 6 प्लस एन माइनस वन 37 माइनस वन इंटू डी के जगह पर दोस्तों कितना हो गया 7 अपॉन 4 हो जाएगा। 6 प्लस 37 माइनस वन कितना होगा 36 इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाए दोस्तों 4, इसको कैंसिल कीजिए 4 9 जा 36। तो फाइनली दोस्तों क्या होगा T37 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 6 प्लस 9 7 जाए कितना होगा दोस्तों 63, इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 69। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों 37 टर्म इसका कितना होगा दोस्तों इस एपी का 69 हो गया था। आई होप दोस्तों इसका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इस चैनल को। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखिए दोस्तों, इसका सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन दोस्तों सेम उसी तरह का है। यहाँ पे देखिए हम लोग 25th टर्म निकालना है, एपी हम लोग को ये दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट TN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे टर्म निकालना 25th टर्म निकालना है, तो एन टर्म का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हियर ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना दोस्तों 5 है, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 अपॉन 2 माइनस 5। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 10 अपॉन हो जाएगा 2, यानी कि इसका वैल्यू हो गया डी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों -1/2 हो जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे दोस्तों और एन का वैल्यू कितना है दोस्तों कितना 25 क्योंकि 25th टर्म निकालना है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे तो टी एन के जगह कितना 25 इक्वल टू ए, ए कितना दोस्तों 5 प्लस एन माइनस वन यानी कि 25 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना दोस्तों -1/2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 24 इंटू कितना -1/2, कैंसिल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा फाइनली 5 12 × -1 कितना हो जाएगा दोस्तों -12 हो जाएगा। तो 5 में 12 गया तो हो गया -7।
इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका 25th टर्म एस ए पी का कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। अब देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है फॉर विच द नंबर 2p-1, 3p+1 एंड 11 आर इन ए पी, देन फाइंड द नंबर। ये तीन नंबर हम लोगों को दिया गया है और ये कह रहा है तीनों क्या कह रहा है, ए पी में है। अपन लोग लिखेंगे गिवेन 2p-1, 3p+1, 11 आर इन ए पी। तो जब ये ए पी में दिया गया इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि कॉमन डिफरेंस का क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ओके। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, T2-T1 जो होगा सो T3-T2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये तो कॉमन डिफरेंस होगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, देयरफॉर T2-T1 का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल हो जाएगा, T3-T2 के इक्वल होना चाहिए जब ये एपी में है तो। क्यों, क्योंकि ये यदि एपी में है तो इसका सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा क्या निकलेगा, D1 निकलेगा, और थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म का माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, D2 निकलेगा। तो दोनों तो कॉमन ही डिफरेंस है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे T2 कितना दोस्तों बताइए, 3p+1 माइनस T1 कितना दोस्तों, 2p-1 इक्वल टू T3 ये 11 माइनस T2 कितना है दोस्तों बताइए, 3p+1 इतना होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या होगा, P का वैल्यू आ जाएगा, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3p+1 माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा दोस्तों -2p --+1 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -3p और ये हो जाएगा कितना, -1, यही तो होगा। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, देखिए दोस्तों 3p में से p गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3p में से 2p गया तो कितना हो जाएगा, p हो जाएगा। 1+1 कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया इक्वल टू 11-1 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो जाएगा और ये क्या हो गया, -3p हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ये हो गया p, -3p को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +3p हो जाएगा इक्वल टू 10 तो यहीं रहेगा, +2 को उधर शिफ्ट कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों, p+3p कितना हो जाएगा बताइए, 4p हो जाएगा इक्वल टू 8, तो p का वैल्यू दोस्तों कितना हो गया, 8/4 कैंसिल करेंगे तो ये 2, तो p का वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। अब p का वैल्यू तो हम लोग को फाइंड हो गया, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे नंबर निकालना है, ठीक है। तो देखिए नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर के लिए हम क्या करें, यहाँ पे 2p-1 3p+1 और ये तो 11 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसमें भी पी का वैल्यू रख देंगे, इसमें भी पी का वैल्यू रख देंगे तो फाइनली इसका नंबर निकल जाएगा। देखिए तो हो जाएगा 2 × p का वैल्यू कितना दोस्तों, 2 है, देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 2 आया है, तो हो जाएगा 2 × 2-1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 × 2+1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों 2 × 4-1 कितना होगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 3 × 6+1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये क्या होगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। अब देखिए आप बताइए कि एपी में है कि नहीं है, 3 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 7 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 है। इसका मतलब क्या है, ये एपी में, इसका मतलब हम लोगों का सही है, तो ये नंबर हो जाएगा 3, 7 और 11 हो जाएगा और पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पे, हैंस पी इक्वल टू 2 एंड इसका नंबर जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए, नंबर हो जाएगा 3, 4 सॉरी 3, 7 और 11, ये इसका दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका 5th नंबर क्या दिया गया, देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एनथ टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, एनथ टर्म निकालना है, एपी दिया गया हम लोगों को 5, 11, 17 और 23 दिया गया। तो हम तो जानते हैं दोस्तों एनथ टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट
टीएन इक्वल टू क्या हो जाए दोस्तों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या हो जाए दोस्तों, डी हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हियर ये क्या वैल्यू कितना दोस्तों, फाइव है, और डी का वैल्यू कितना दोस्तों, सेवनटीन माइनस एलेवन कितना हो जाए दोस्तों बताइए, सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ पे एन तो एन ही रहेगा यहाँ पे, तो टी एन का वैल्यू क्या हो जाए, ए यानी कि फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा फाइव प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हमको यहाँ पर देखिए, फाइव माइनस सिक्स कितना हो गया दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस क्या हो गया, सिक्स एन। पहले पॉजिटिव को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्स एन माइनस वन। इस एपी का एन टर्म दोस्तों यही इसका आंसर हो गया। देखिए सर सेकेंड पार्ट क्या दिया गया है, देखिए दोस्तों सर सेकेंड टर्म हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है। पहले यहाँ आप लिखेंगे वी नो दैट क्वेश्चन सेम ही एन टर्म निकालना है, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिखें यहाँ पे हियर ए का वैल्यू कितना दोस्तों, सिक्सटीन, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, नाइन में सिक्सटीन गया तो कितना होगा दोस्तों बताइए, माइनस सेवन हो जाएगा। वैल्यू रखिए दोस्तों, ये हो जाएगा टी एन इक्वल टू ए कितना होगा, सिक्सटीन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के जगह कितना होगा दोस्तों, माइनस सेवन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्सटीन माइनस सेवन एन प्लस हो जाएगा दोस्तों कितना, सेवन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्सटीन प्लस सेवन कितना होगा दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा ट्वेंटी थ्री माइनस सेवन एन। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा, इस एपी का एन टर्म कितना है दोस्तों, ट्वेंटी थ्री माइनस सेवन एन हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या हम लोगों को दिया गया, देखिए दोस्तों सिक्स नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इफ एनथ टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज फोर एन माइनस टेन। क्या दिया गया है, एनथ टर्म हम लोग को दिया गया फोर एन माइनस टेन दिया गया है, तो कह रहा देन शो दैट इट इज इन एपी। तो ये शो करना है कि ये क्या है, एन टर्म जो दिया गया है सो एपी में होगा। सो देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड सिक्सटीन टर्म का हम लोगों को निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे गिवन में हम लोगों को दिया गया दोस्तों, गिवन एन टर्म हम लोग को दिया, एन टर्म मतलब क्या हो गया, टी एन हो गया, इसका वैल्यू कितना दोस्तों दिया गया है, फोर एन माइनस टेन दिया गया है। अब इससे हम लोग को पता करना कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस पहले निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस यदि हर जगह सेम रहेगा तो एपी में हो जाएगा। पहले जब हम लोग टी एन जब दिया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, एन का वैल्यू वन टू थ्री फोर पुट करके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्म निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे पुट एन इक्वल टू वन, एन की जगह पर यदि वन पुट करेंगे तो एन की जगह पर यदि वन रखें टी वन हो जाएगा इक्वल टू फोर इंटू वन माइनस टेन। ये क्या है दोस्तों, फोर माइनस टेन, इसका वैल्यू कितना दोस्तों, माइनस सिक्स आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, पुट एन इक्वल टू क्या करेंगे, टू करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा टी टू हो जाएगा, तो हो गया फोर इंटू टू माइनस टेन, तो हो जाएगा एट माइनस टेन, ये दोस्तों हो गया माइनस टू हो गया। ओके, और देखिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, पुट एन इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, थ्री पुट करेंगे, ये हो जाएगा टी थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर इंटू थ्री माइनस टेन, ये हो जाएगा दोस्तों ट्वेल्व माइनस टेन हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, टू आ गया। एक और पुट कर लेते हैं, पुट एन इक्वल टू फोर, ओके, ये हो जाएगा टी फोर, ये हो जाएगा फोर इंटू फोर माइनस टेन, ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस टेन, इसका वैल्यू दोस्तों कितना आ गया, सिक्स आ गया। और आगे आएगा हम लोगों का सीक्वेंस क्या आएगा या प्रोग्रेशन क्या आया बताइए, लेकिन देयर फोर प्रोग्रेशन क्या गया दोस्तों बताइए, यहाँ से लिखिए माइनस सिक्स माइनस टू माइनस सिक्स माइनस टू, फिर क्या गया दोस्तों, फिर टू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, फिर डॉट डॉट आगे जाएगा, ये इसका प्रोग्रेशन आ गया। ठीक है, अब इसको पता करना है कि ये एपी में है कि नहीं, देखिए ये क्या है दोस्तों, T1 है, ये क्या है दोस्तों, T2 है, ये क्या है दोस्तों, T3 है,
और ये क्या है T4 है, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो देखिए पहला कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे आगे आएंगे वन से तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करेंगे, तो यह हो जाएगा T2 माइनस T1। बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों, -2 माइनस T1 कितना दोस्तों, -6। तो यह हो जाएगा -2 माइनस माइनस +6, 6 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, 4 आ गया। तो पहला कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हर जगह यदि सेम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे आगे आएंगे टर्म तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा T3 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, T2। T3 कितना दोस्तों बताइए, ये हो गया 2 माइनस T3 क्या है, 2 है। T2 कितना दोस्तों, -2 है। ये हो गया दोस्तों 2 माइनस माइनस +2, इसका रिजल्ट कितना आया दोस्तों, 4। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। एक और निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए D3 निकालेंगे, इससे अगला टर्म आएंगे तो क्या हो जाएगा, T4 माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, T3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए यहाँ पे, देखिए T4 कितना है बताइए, T4 है दोस्तों कितना है, देखिए यहाँ पे 6 है माइनस T3 कितना दोस्तों, 2 है। हो गया 6 माइनस 2 क्या हो गया, 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस देख रहे दोस्तों हर जगह क्या सेम आ रहा है, 4 4 4 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरीवेयर। क्या दोस्तों इसका मतलब, कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, सो द गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। ये तो शो हो गया कि एपी में है। ओके तो ये पहला काम लोग यही करना था कि शो कीजिए कि एपी में है। इसका दोस्तों हम लोग निकालना था फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म निकालना था। लेकिन देयरफॉर फर्स्ट टर्म किसे इंडिकेट करते हैं, ए से। तो फर्स्ट टर्म दोस्तों देखिए कितना आया है, फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे कितना है दोस्तों, -6 आया है। यहाँ पर लिखेंगे -6 कॉमन डिफरेंस, इसको कितना आया दोस्तों, कॉमन डिफरेंस को किसे इंडिकेट करते हैं, डी से। कॉमन डिफरेंस डी से इंडिकेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों, 4 आया हुआ है। ओके और निकालना 16 टर्म निकालना है, कितना टर्म निकालना, 16 टर्म। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, टर्म निकालना था फॉर्मूला लिखेंगे TN का फॉर्मूला, लिखेंगे वी नो दैट TN इक्वल टू क्या था दोस्तों, a+n-1 × d। तो 16 टर्म निकालते हैं, n के जगह पे क्या करेंगे, 16 रखेंगे तो ये हो जाएगा t16 इक्वल टू a बताइए कितना है, -6 प्लस n-1 यानी कि 16-1 × d 4। सॉल्व कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा -6 प्लस 15 × क्या हो जाएगा, 4। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा कितना, -6 प्लस 60। इसका दोस्तों कितना आंसर हो गया, -54 इसका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि इस एपी का 15 टर्म कितना है, -60 माइनस 6 कितना है दोस्तों, 54 हो जाएगा प्लस में। ओके यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 16th टर्म इक्वल टू 54। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो, कहीं डाउट हो दोस्तों तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।